दमोह गंगा जमुना संस्थान से जुड़ी विभिन्न फर्मों की जीएसटी की टीम द्वारा की गई जांच के बाद बड़ी टैक्स चोरी पकड़ में आई है। जीएसटी की टीम ने गंगा जमुना फर्म की विभिन्न ब्रांचों की जांच करने के बाद में 78 लाख से अधिक रुपए की रकम जमा कराई है। विभिन्न गड़बड़ियों के चलते माल बेचा जा रहा था लेकिन टैक्स नहीं चुकाया जा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर जीएसटी सागर के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, चार दिन से लगातार जीएसटी की कार्रवाई चल रही है, क्या तथ्य निकल के आए हैं? तथ्य ये निकल के आया है कि स्टॉक शॉर्टेज मिले हैं, अर्थात बिना बिल के माल बेचे जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ तेंदूपत्ता है, कपड़े हैं और जो भी माल था, उसी चीज़ में हम लोगों को टाइम लग रहा था क्योंकि फर्में कई थी और रियल व्यापारी थे नहीं, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो क्या कुछ एक आंकड़ा निकल के आया है क्या? नहीं, आंकड़ा निकल के आया है अभी हम लोग प्राथमिक रूप से 78,68,965 रुपये जमा कराए हैं सभी फर्मों में मिला के गंगा जमुना ग्रुप की, और आगे जांच कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई, प्राथमिक रूप से कार्रवाई ख़त्म हुई है और आगे जांच जारी रहेगी और आगे और पैसा जमा होने की पूरी संभावना है।